और निवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है। आपको बता दें, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। विवाद में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पृथ्वीपुर थाना इलाके के गांव दुर्गापुर का ये पूरा ही मामला है। तो निवाड़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है और इस दौरान एक दूसरे में जो है जमकर लाठी डंडे चले हैं। और इस विवाद में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, दो पक्षों में विवाद हुआ है, किन वजहों से ये विवाद होना बताया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का है, जहां पर दो परिवार, इनमें पुरानी रंजिश चली आ रही है। कल एक पेड़ काटने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती कराया गया है। पृथ्वीपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उमेश, जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, जो घायल हुए हैं उसमें 2 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज पृथ्वीपुर सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। बाकी जो कम रूप से घायल हुए थे, उन लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, वो अपने घर पर वापस चले गए। लेकिन 2 लोगों का इलाज अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये दोनों लोग खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा चोट होने की वजह से इन लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करके रखा गया है। बहुत शुक्रिया उमेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो निवाड़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुराने रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं और इसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब पूरे ही मामले की जाँच कर रही है।